दाल लटका 300 साल सिर्फ विक्की को मैं दिखता हूँ यार। किस्मत से हम दोनों हैं मिले और मिलके हम तो फंस गए हैं यार। मुझको निकाल, मैं हूँ बेताल, लाऊं भूचाल, कोई कर दिखाए अपना पाका पाल। अपनी ही बात सुनता है, गुलाम है, हुकुम पे चलता है। खिसक गया दे, सटक गया दे, राह से ये भटक गया रे, मांगना मदद तो अगली बार। जो दोनों संग चले हम धमाल, आए हैं हम विक्की और बेताल। ये देखो प्रीति, स्पेशली एनुअल डे के रेस के लिए मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की है। काश हम जीत जाए। नो, होप नहीं, 100% जीत जाएंगे। मेघना बीमार है, तो क्या हुआ? हमने इस दिन के लिए हफ्तों से प्रैक्टिस की है। मैंने भी क्विज के लिए बहुत प्रैक्टिस की है। ओके, अटेंशन रेड आउट स्टूडेंट्स, सब लोग इधर आओ। इस साल एनुअल इवेंट के लिए हमने फिजिकल चैलेंज के 3 राउंड रखे हैं। पहला लेमन एंड स्पून रेस, दूसरा सैक रेस और तीसरा ऑब्स्टेकल रेस, और इसके बाद होगा क्विज। लेकिन इस बार कंटेस्टेंट्स का चुनाव चिट पिकिंग से किया जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, कैरी ऑन। ओह नो, लेकिन हम बेस्ट कैंडिडेट्स को कैसे भेजेंगे? डोंट वरी, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मेरे होते हुए तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मिनट। वी, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मैं प्रीति जम्बो और आशीष का ही नाम से, समझे तुम? ओए, जो कायदा है वो कायदा है, अगर पर्ची से नाम निकालने हैं तो निकालने दो, मैं तो मदद नहीं करूंगा। अपने आप जीतो, खुद मेहनत करो। बद्दू, इसे भूल जा। मैं हूँ ना। फिर तो हो गया काम। छोड़। अच्छा मुझे बता, किस किस का नाम कहाँ कहाँ पर आना चाहिए, बोल दे। मेरा नाम ऑब्स्टिकल रेस में, जंबो का लेमन एंड स्पून में, और आशीष का क्विज में, और प्रीति का सैक रेस में। डन। सैक रेस के लिए नाम है प्रीति, और ऑब्स्टिकल रेस के लिए विकी। क्या था ना? विकी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुड जॉब वी। अब जंबो को लेमन स्पून के लिए और आशीष को क्विज के लिए, समझे? विकी, स्टॉप टॉकिंग। सही सर। हम दबा दबा जंबो ब्लू बेबी। लेमन स्पून रेस, आशीष। और क्विज कंपटीशन के लिए जंबो, सो वेल, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बी प्रिपेयर्ड। तो अब जंबो जंबो ब्लू हाउस क्वीन क्विज चैंप संजना से कॉम्पीट करेगा। 3 cheers फॉर द लूजर्स। हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुरे। इट्स ओके, अगर तुम डर के भाग गए तो आई अंडरस्टैंड। चुचुंदर की धूम, तुम कोशिश ही क्यों करते हो, मरवा दिया ना बच्चों को। सब गड़बड़ हो गई, लेकिन घबराओ मत,
मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। टमाटर के सड़े हुए हिस्से यहाँ क्या कर रहे हो? मदद कर रहा हूँ। क्यों? अच्छा तू चाहता है कि मैं वहां से मदद करूं? ठीक है ये देख। अरे मग जो आशीष रेस हार रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसे रेस जिता देता हूं। मेरा कमाल। धक्कन की टूटी हुई सील, तुमने कुछ नहीं किया। आशीष इतने ध्यान से खेल रहा था कि तुम्हारी गड़बड़ पे भी उसने ध्यान नहीं दिया। अच्छा ये बात है। अब देख देख हा? तू देख रहा है ना? तू देख भाई। अरे मग गेट सेट गो। सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था। ओ रियली? तो आज से मेरी मदद करना बंद कर दो प्लीज। प्रॉमिस करो कि तुम मेरी मदद नहीं करोगे। प्रॉमिस करो। देखो मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे तो तंग मत ही करना। और अब बारी है ऑब्स्टिकल रेस की। इसके मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, इसलिए कंटेस्टेंट्स आप लोग अपनी अपनी जगह ले लीजिए। बेस्ट ऑफ लक विकी, सेम टू यू। तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने में मजा आएगा। आई नो तुमने बहुत प्रैक्टिस की है। सब प्लान के मुताबिक जाना चाहिए, समझे? ब्लू हाउस को ये रेस किसी भी तरह जीतनी है। कम ऑन। यस। ऑन ए मार्क get set go। मेरा रोप पे ग्रीस लगाने का प्लान कामयाब हो गया। अब तो ये रेस मैं ही जीतूंगा। या ये तो ग्रीस है।
मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं था रेत के दाने कि मुझे मत उठाना। और मैं क्या करता पद्दू, मैं रेस में हिस्सा ले रहा था, लेकिन वो विकी ना, वो मेरी मदद ही नहीं चाहता था, मैं क्या करूं। लेकिन 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 तू तो उसकी मदद कर सकता था ना, क्यों नहीं की तूने? पता है ब्लू टीम ने चीटिंग करके जीत ली। ब्लू हाउस ने रेस जीत ली है और ब्लू हाउस को मिलते हैं 90 पॉइंट्स और रेड हाउस सेकंड पोजीशन पर है 80 पॉइंट्स के साथ। पर फाइनल रिजल्ट क्विज कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा। तो किड्स ऑल द बेस्ट। लूजर्स, रेस में तो हार गए, अब क्विज की बारी है। डम्बो जम्बो को संजना यूं हरा देगी। मुझे बता है, तुमने रोप पर ग्रीस लगाई थी। अच्छा पता है, तो प्रूफ करके दिखाओ। इकी विकी, लेट्स गो गाइस। सर ठीक कह रहा है विकी, मैं सच में जंबो डंबो। मैं संजना को कैसे हराऊं? तुम्हें पता है वो किसी भी क्विज में नहीं हारी है। वेल, इस बार हराना होगा। कम ऑन गाइस, हम इतने जल्दी हार नहीं मान सकते हैं। एटलीस्ट हमें कोशिश तो करनी चाहिए। राइट जंबो? जंबो ताजमहल को एक दिन में नहीं बना था, उसे 22 साल लगे थे बनाने में और उसे 20,000 वर्कर्स भी लगे थे। और 1631 में ताजमहल जैसी चीज बनाना बहुत मुश्किल था। जंबो, तुम्हारे लिए कुछ इतना भी मुश्किल नहीं है। हम सबके लिए, मेरे लिए, हम सब ब्रेड्स के लिए। प्लीज जम्मो, एक बार ट्राई तो करो प्लीज। घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। एक मिनट। चाहिए या ना चाहिए, लेकिन मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं तेरी मदद करूंगा। और अगर मैंने डिसाइड कर लिया है तो मैं तेरी मदद करके ही रहूंगा, राइट? ओके एवरीवन, क्विज के दो राउंड्स हैं, गोंग राउंड और मिक्स एंड मैच। जिसने पहले ये गोंग बजाया उसे आंसर करने का मौका मिलेगा, और अगर आंसर गलत हुआ तो जिसने नेक्स्ट गोंग बजाया चांस उसे मिल जाएगा। तू फिकर मत कर, मेरी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। मैं जानता हूं कि 1957 में औरंगजेब ने रानी ऑफ झांसी, झांसी ऑफ रानी, हाँ रानी ऑफ झांसी से क्या कहा था। और मैं ये भी जानता हूं कि अली बाबा ने शाहजहां के 32 चोरों से क्या कहा था। इसे से चुप करा। ओके, तो ये गोंग राउंड है और आपका पहला सवाल है, इसको रोक, ये जंबो से भी बड़ा डंबो है यार। मैं नहीं करूंगा, वैसे भी वो तो क्या। जंबो, तुमने बिना सवाल सुने ये गोंग बजा दिया। Well, in that case, अब आंसर तुम्हें ही देना पड़ेगा। आपका सवाल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर
किस साल में शुरू हुई थी? बोल, 1993 बोल। अरे बोल ना। 1993 गलत जवाब। यस अंजना, 1939 मैम। राइट ब्लू हाउस। सॉरी। सेकंड राउंड, दैट इज द मिक्स एंड मैच राउंड। हमारे सामने किंग अकबर की फोटो है। अब आपको ये बताना है कि इसका सही पैर क्या है। रेड हाउस ने फिर से गॉन्ग बजाया। कम ऑन जंबो। ये वाली है, ये राइट है, ये। मैं अपने आप से बात क्यों कर रहा हूँ? मुझे लगता है ये है, पर ये तो टीवी पे आती है। नहीं नहीं नहीं, ये जो है ये टीवी पर आती है, ये वाली। हाँ, वो ना आजकल ऐसे कपड़े पहनते हैं टीवी पर। ये जो है ना, ये पुराने वाली है, ये राइट है, ये। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है, तो प्लीज हरी आप। ये, ये, ये है। Well, ये एक टीवी एक्ट्रेस है जंबो। लगता है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही टीवी देख रहे हो। यस संजना। मेरे वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गई। मुझे विकी की बात माननी चाहिए थी। राइट आंसर। दूसरा राउंड भी जीत लिया है और अब तक के स्कोर्स हैं ब्लू हाउस 105, रेड हाउस 80, येलो 60 और ग्रीन 50। साल हमने एक नया राउंड इंट्रोड्यूस किया है, वाइल्ड कार्ड क्विज राउंड, जिसमें जीतने वाले हाउस को मिलेंगे 30 पॉइंट्स। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और जिस हाउस ने उसका सही जवाब दिया उसे मिलेगा एक बोनस प्राइज और साथ में पिकनिक। पर ब्लू हाउस डिसाइड करेगा कि हम ये बम्पर क्विज राउंड खेलेंगे या नहीं, क्योंकि ब्लू हाउस जीत रहा है। सो ब्लू हाउस, क्या डिसाइड किया आपने? लेट्स डू इट गाइस। वैसे भी हम आ गए और हमारे स्कोर से सबसे नजदीक है रेड हाउस, यानी डम्बो जंबो, और उसके जीतने के चांसेस -100% है। सोचो, अगर हम जीत गए तो रेड हाउस हमसे कॉम्पीट करने की सोचेगा भी नहीं। लेट्स डू इट मैम। Well, are you sure? Yes. क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए और रेड हाउस ने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो ये एनुअल ट्रॉफी रेड हाउस को मिलेगी, क्योंकि आप दोनों के पॉइंट्स में सिर्फ इस क्वेश्चन का डिफरेंस है। मैम, हम 100% जीतेंगे। गुड। लिसन टू मी, अगर हम लोग हार भी गए तो बिग डील। तुमने ट्राई तो किया। ले, come on, one more try for the reds. Best of luck. और 30 points के लिए bumper question है, ताजमहल कब बनना शुरू हुआ और कब खत्म हुआ?
यस अंजना, शाहजहां के रूल में वो तो ठीक है संजना, पर कौन से साल में शुरू हुआ था और कौन से साल में खत्म हुआ था? जम्बो ताजमहल कोई एक दिन में नहीं बना था, उसे 22 साल लगे थे बनाने में। मैम 17th सेंचुरी। गलत जवाब। और 1631 में ताजमहल जैसी चीज बनाना बहुत मुश्किल था। मुझे आंसर पता है, ताजमहल 1631 पे शुरू किया गया था। वेरी गुड, पर खत्म कब हुआ था? उसे 22 साल लगे थे बनाने में। खत्म होने में 22 इयर्स लगे थे, मतलब 1631 प्लस 22 इज 1653। इसे बनाने के लिए 22,000 वर्कर्स लगे थे, सब ने ये ट्राई किया, इसलिए ये मुश्किल काम हो पाया। वेरी गुड, और इस बम्पर क्विज के पॉइंट्स के साथ रेड हाउस का टोटल पहुंचा है 110। That means, इस साल की एनुअल ट्रॉफी रेड हाउस को जाती है। पर ये जीत विकी के वजह से हुई है। हार ना मानने के लिए थैंक्स, कम अप विकी। विकी, ये चॉकलेट्स कहाँ से आए? लीजिए ना मैम। सर। सर। हाँ, एक और बात, हम अकेले पिकनिक पर नहीं जाएंगे, सब हाउसेस साथ में जाएंगे।